में अभिमन्यु और नियति की जान, गुंडों से बचे खाई में लटके, जी टीवी के सीरियल अगर तुम ना होते में अभिमन्यु किडनैपर से अपनी जान छुड़ाकर जंगल में भागा ही था कि उसकी टक्कर हो गई नियति से, जो वहाँ अभिमन्यु की तलाश करते हुए पहुँची है, जिसे अपने सामने देखते ही अभिमन्यु हैरान रह गया। यार मैं ना घर छोड़ के जाने की प्लानिंग करता हूँ और घर से भाग भी जाता हूँ, बट एक पॉइंट आता है जहाँ मुझे याद नहीं होता, मुझे किडनैप कर लेते हैं लोग। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं एक बंद कमरे में मैं होता हूँ, जहाँ मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं और मैं देखता हूँ वहाँ सारे बहुत सारे गनमैन हैं और ये हैं, तो वहाँ से मैं जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा करके भागता हूँ और भागते भागते मैं जंगल में आ जाता हूँ और वहाँ मुझे नियति दिखती है। तो मैं बोलता हूँ ये यहाँ पर क्या कर रही है, तो अभी तो क्या सारे गुंडे पीछे पड़े हुए हैं, गन्स हैं, गोलियाँ चल रही हैं, तो अभी तो हम भाग ही रहे हैं बस इसको साथ में लेकर के। जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई और इसी बहस में नियति ने ऐसा कुछ कह दिया कि अभिमन्यु को कुछ कुछ याद आने लगा। किस्मत कनेक्शन से क्योंकि हमारा किस्मत कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और यही किस्मत कनेक्शन है जो अभिमन्यु को बार बार फ्लैशेज उसके दिमाग में लेकर आ रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अरे हम ऐसे पहले भी भाग चुके हैं, ऐसे कुछ कुछ लाइंस है, तो उसके दिमाग में आता है ये डेजा वो टाइप कि अरे मैंने ये मैंने पहले भी बोला है। तो नियति को एक होप जागता है कि हो सकता है कि अभिमन्यु की जो मेमोरी लॉस हुई है उसकी याददाश्त फिर से वापस आ जाए, तो एक ना होप है जो अभी नियति में एक बर्ड हो रही है। फिलहाल तो अभिमन्यु ने नियति की इस होप पर ब्रेक लगाया और उसका हाथ पकड़कर दौड़ने लगा, क्योंकि गुंडे अब दोनों के पीछे पड़ गए हैं। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, दोनों भागते हुए पेड़ से टकराते हैं और जा गिरते हैं खाई में। वो तो शुक्र है कि अभिमन्यु पेड़ की जड़ पकड़ लेता है और दोनों अब हवा में लटके हुए हैं। नीचे खाई और ऊपर गुंडे, ये देखकर तो नियति की जान अटक गई। वो डर के मारे चीखने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने उसे चुप करा दिया और फिर से उसकी यादें धुंधली होने लगी। यार फ्लैशबैक अभी तक मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ क्लियर दिख रहा है, जस्ट कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने पहले बोले थे, नियति को ही बोले थे, बट वो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मैं पहले बोल चुका हूँ, किसको बोल चुका हूँ, क्यों बोल चुका हूँ, कहाँ बोल चुका हूँ, ये सब मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अभी चाहे स्टार्टिंग है, लेट्स सी कि कैसे कैसे उसको धीरे धीरे इमेज जो ब्लर है वो कैसे 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 वापस शार्प होती है और आती है, तो हम भी उसी का वेट कर रहे हैं। तो आई होप कि यादाश्त वापस आने का सीक्वेंस है, जहाँ तक लग रहा है मुझे ये जो भी दो चार एपिसोड है जिसमें हम बैक टू नियति वापस आ जाएंगे। इसे कहते हैं नियति का खेल। एक तो अभिमन्यु की याददाश्त भी वापस आ रही है और दूसरा गुंडे भी वहाँ से चले गए और जैसे तैसे करके अभिमन्यु ने अपनी और नियति की जान बचाई। अब देखना होगा कि इसके आगे ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी कि अभिमन्यु को अपनी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ जाएगी। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।